नंबर अगला देखते हैं, 8 वक्र दिया है, y बराबर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y बराबर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा जो है बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखा के समांतर। तो इस रेखा रेखा स्पर्श रेखा का ढाल जो होगा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के ढाल के बराबर होगा क्योंकि वो उसके समांतर है। तो पहले इसका ढाल निकाल लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 × x − 2 और x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ, स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल, ठीक है। अच्छा अब बिंदु बिंदु 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा का ढाल क्या होगा, रेखा का ढाल। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का जो ढाल होता है वह होता है y2 − y1 यानी 4 − 0 और बटा में x2 − x1 4/2 कट के आपका 2 आ गया, ढाल आपका क्या गया 2 आ गया। चूंकि आपके पास क्या रहा है क्वेश्चन में, चूंकि आपके क्वेश्चन में क्या रहा है कि चूंकि स्पर्श रेखा बिंदु 2, 0 तथा 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, स्पर्श रेखा इसके समांतर है तो दोनों का ढाल बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बराबर में क्या कर देंगे, यह आपका जो 2 आया है और डी वाई बाई डी एक्स का मान ऊपर है 2 × x − 2 बराबर में 2 ये जाएगा भाग में, 1 आ जाएगा, x माइनस 2 बराबर 1 यानी x बराबर में यहाँ से 3 आ जाएगा। जब x का मान 3 आ गया तो y का मान इस समीकरण में रख के निकाल सकते हैं। तो चूंकि y बराबर में है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसलिए x बराबर कितना पर, 3 पर ना, x बराबर 3 पर रखेंगे तो देखते हैं क्या होता है, y बराबर में हो जाएगा 3 − 2 का होल स्क्वायर, घटेगा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है। इसलिए हमारा जो अभीष्ट बिंदु है वह अभीष्ट बिंदु निकल के आ गया, अभिष्ट बिंदु जो है वो निकल के आ गया, क्या आ गया, तो x नियामक उसका 3 है और y नियामक 1 है, समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन